guys, welcome to my channel, Priya's Heart. Me and my mother have combined channel named Rajeshwari Foods and Priya's Art. So the channel is combined, so do not confuse. Priya's Art is representing to my drawings and Rajeshwari Foods are representing to my mother's foods. So first come, today I'm not making any drawing and I not want to share any things with you. Today I'm only want to share with you that which type of colors I'm using, which type of canvas I'm using for the drawings. Then further at after 2 days or 3 days, I post a video of drawing which we I have drawn all colors on the bed. This is my room which I make. I would studies. I'm living in this room. And there is my books and my pens and it's me and my chair. So now first I'm seeing you which type of canvas I'm using. तो अब बहुत कोई को इंग्लिश इतनी नहीं समझ आ पाएंगी, कुछ कुछ में प्रॉब्लम होगी, तो मैं हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये हम लोग आज बस इतना दिखाएंगे कि कौन किस कंपनी का मैं कलर्स यूज करूंगी, किस टाइप के कलर यूज करूंगी और किस टाइप का कैनवस यूज करूंगी और कैसे ब्रशेस. ये मेन होता है कि आपका पेंटिंग में ब्रश कलर्स और कैनवस, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या बनाना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट रहता है. तो चलिए फर्स्ट कैनवस दिखाया जाए. मैंने फर्स्ट इसमें ड्राइंग्स जो डाले थे वो टाइप के कैनवस मैंने इसमें बना चुके हैं. अभी के लिए मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मेरा ड्राइंग बन चुका है. ये बने हुए ड्राइंग्स है, तो कोई इंटरेस्टिंग तो है नहीं, पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ. और जो कोई कैनवस नहीं एफर्ट कर पाते, तो क्या होता है ना कि एक बुकरम टाइप का एक क्लोथ दे जाता है जिससे हमारे कैनवस बनते हैं. तो आप क्या कीजिएगा, एक फैब्रिक ऑयल सब खरीद सकते हैं. तो इस टाइप का फैब्रिक ऑयल सबके पास होगा, या परचेस कर लीजिए, 10 to 20 रुपीज के आसपास आता है. ज्यादा एक्सपेंसिव तो है नहीं, जो नहीं कोई एफर्ट कर रहा. तो फिर इस टाइप के बकरम जाते हैं, आप कोई भी टेलर की शॉप या कोई भी बुक स्टोर सब में ये मिल जाएगा आराम से. आप पूछिएगा कि बकरम पेज है तो दीजिए, तो आपको मिल जाएगा. उसके बाद क्या करना है ना, इसको एक स्क्वायर शेप में जितना का आपको कैनवस करना है वो कर लीजिए. उसके बाद ये कूट सबके घर में होता है, सिंपली कोई सामान आता है तो वो रहता है. उससे क्या कीजिए, फेविकॉल और बुकरम को ऐसे मिक्स कर दीजिए तो हो जाएगा आपका. और उसको सूखने के लिए दे दीजिए तो हो जाएगा. और नाउ अब बात ये तो हो गया कि इजीली आप कैनवस कैसे बना सकते हैं एफर्ट के लिए, कि पेंटिंग ज्यादा अच्छा होता है कैनवस पे. नहीं तो चाहे तो ड्राइंग पेज कॉपी इन सब का भी यूज कर सकते हैं, बट क्या होता है कि ज्यादा पानी पड़ने के कारण वो सूख फट जाता है, तो फिर हमारी पूरी पेंटिंग बिगड़ जाती है. तो कैनवस का यूज करें, या तो इस टाइप से होममेड कैनवस का भी आप यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, किस टाइप का मैं कैनवस यूज करती हूँ, जिस टाइप की मेरी पेंटिंग होती है उस साइज का बुक स्टोर्स सब में आप जाके बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए कैनवस. कैनवस बोर्ड आराम से ये देखिए, इसका सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है कितने साइज की ये है. ये मेरी फ्रेंड्स वाली पेंटिंग थी, मैंने इसे डाली थी. और आई एम ऑब्वियसली कि कैमल्स का जो ये होता है कैनवस वो बेस्ट होता है. उसमें आप वो जल्दी मीन्स खराब नहीं होता है, पानी पड़ने के बाद भी जो पोस्ट कलर यूज करते हैं वो सूखा ही रहता है, ज्यादा ये नहीं होता है, तो डैमेज नहीं होता है पेंटिंग. तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये परचेस करें. दिस बोर्ड माइन बी इनमें ऐसे बोर्ड आपको 80 to 70 रुपीज में मिल जाते हैं. और दिस टाइप के लार्ज बोर्ड, लार्ज पेंटिंग लाइक पोर्ट्रेट्स, बिग सीनरीज एंड मैनी थिंग के लिए आप जब ये खरीदते हैं तो ये 100 to 150 के आसपास आपको मिल जाएंगे. तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यूज कर सकते हैं इनका. तो ये हो गया मेरा कैनवस का कि मैं किस तरह से कौन से कैनवस पे कौन सा ड्राइंग बनाती हूँ. नाउ चलिए हम ब्रशेस के बारे में बात करते हैं. हियर इज माय ब्रशेस, पेंसिल फॉर मार्किंग एनीथिंग. जैसे कोई ड्राइंग बना रहे, पेंटिंग में भी यूजुअली हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं उस चीज का, तब हम लोग उस पर कलर करने लगते हैं.
तो पेंसिल इज मेन. उसके बाद अब पेंसिल वी आर यूजिंग अप्सरा बेस्ट होता है और डॉम्स, तो आप इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं. ये ज्यादा ये नहीं है. और नाउ फर्स्ट मेरी ब्रशेस की कलेक्शन. ये बिग ब्रश है फॉर कमिंग. मैं पहले पेंटिंग कर चुकी हूँ तो ये थोड़ा लग गया है. डोंट बी माइंड दिस. आप इस पे ध्यान दीजिए. ये ब्रिसल्स पे ये ज्यादा अच्छे होने चाहिए. अच्छी क्वालिटी के ब्रिसल्स होने चाहिए इसका. ये आपको 9 to 8 पॉइंट के ब्रश है. ये आप फॉर बिग पेंटिंग लाइक पोर्ट्रो. सो फ्रेंड्स, जो ये जो पोर्ट्रेट का ये ब्लैक वाला पार्ट है, तो ये बड़े पोर्ट्रेट्स और इस छोटे के लिए भी. तो हमें क्या करना रहेगा ना, फर्स्ट मैंने ये कलर किया है तो इसके लिए दिस टाइप ऑफ ब्रश हमें यूज करना है. तो ये हो गया मेरा ब्रशेस का कलेक्शन. दिखा दे रहे ये ब्रश. दिस इज अ फैन ब्रश. ये एक्स्ट्रा लार्ज, छोटे लार्ज, सब टाइप के आते हैं. ये ब्रशेस हैं. ये आप आराम से कोई भी बुक स्टोर्स या पेंटिंग डेपोस में ये आराम से मिल जाएंगे. और ये कुछ 50 to 60 रुपीस का ये आता है. तो मेरे ख्याल से ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है. दूसरा आपका आ गया ये. ये एक मोटे स्लिप्स का पिसल ब्रश है. ये कुछ 6 point या 1 point का होता है, जिसे हम लोग एक एग्जैक्टली फॉर्म बनाते हैं. ये हो गया उसका कलर. एंड ये इसी का है, इससे लार्ज है ये. ये 10 या 5 रुपीस का आपके जहाँ पे हो. ये 15 रुपीस का ये आराम से मिल जाता है. तो ये आराम से आप कवरिंग कर सकते हैं इससे. ये जैसे कि कुछ बड़ा चीज हुआ, फेस टाइप थिंग, तो हम उसे इसे कवर नहीं करेंगे बिकॉज वो ज्यादा फैल जाएगा. तो हम इससे कवर करते हैं उसे. तो ये हो गया. एंड नाउ दिस इज 0.3 का ब्रश है. ये देख लीजिए, फोकस कीजिए इस पे थोड़ा. इससे हम लोग बहुत थिन लाइन जो होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं. थिन जैसे कि बालों का शेड्स हुआ, उसके बाद आंखों का शेड्स हुआ, आवर नोज शेड्स एंड आवर लिप शेड्स. तो हम लोग इससे करते हैं. एंड दिस इज द ब्रश विच माइट वी आर यूजिंग फॉर द दिस ब्रश वी आर माइट यूजिंग ऑन टू कवरिंग एज वेन थिंग्स. डोंट माइंड इट, आई डोंट वॉश, आई एम फॉरगेट टू वॉश माई ब्रश. इट शुड बी एज कलर, डोंट माइंड इट. ओके, दिस इज माई ब्रश कलेक्शन. तो ये मेरे ब्रश के कलेक्शन हो गए. अब आई एम यूजिंग सम ग्लिटर्स, लाइक दिस इज द कंपनी ग्लिटर इज डोम्स. ये पेस्ट टाइप में आता है, ये पेस्ट के होते हैं. तो वन पैक में आपका ये ग्लिटर एंड दिस टाइम सिल्वर, ब्लू एंड रेड, ये कुछ ग्लिटर्स मिलते हैं. ये वन पैक में मिलता है, डोम्स का होता है. ये पीस में होता है एकदम, और ये बहुत अच्छा क्वालिटीज का होता है. तो ये सब मिलता है वन पैक में. उसका प्राइस कुछ 35 के आसपास होता है डोम्स का. एंड दिस इज माई पीच कलर, यानी पोस्ट कलर, जो मेन होता है हमारे ड्रॉइंग के शेड्स के लिए. और एडवेंस मीन्स गलती से आपका फेवरेट कलर खत्म हो गया और वो शेड आपको करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, तो ये इस कलर का यूज कर सकते हैं. सी, ये मेरे पास देखिए ये कलर. ये एक पैक आता है कॉम्बो, वो 100 रुपीज का होता है. उसमें इन सब कलर्स का शेड होता है, ब्राउन, ब्लैक, यूजली जो मेन कलर्स होते हैं उसका शेड होता है. मैं अलग अलग टाइप के बॉक्सेस कलर लेती हूँ तो उसमें अपना रख देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं मेनली मेरे पास उतना सामान ये नहीं कर पाते हम. ये ब्रश पेंसिल सिंपली आपको बता चुके हैं. नाउ मैं दिस इज अ टूथ ब्रश. यूजली वी आर यूजिंग टू वॉश आवर टीथ फ्रॉम इट, बट इसे हम लोग पेंटिंग में लाइक बहुत छोटे छोटे जो स्टार्स होते हैं उसके लिए हम लोग इस टूथब्रश को यूज करते हैं. एग्जैक्टली मैं यूज करती हूँ, और फाइन आर्ट्स के लिए ये यूज किया जाता है यूजली. तो ये हो गया हमारा. ये भी एक ब्रश के कॉम्बो में आता है. तो ये मेरा ब्रश हुआ. दिस इज माई अनदर पोस्ट वाटर कलर. वाटर कलर हम लोग यूज करते हैं फॉर कंबाइनिंग एनीथिंग. सी, इट इज ऑल्सो फ्रॉम डोम्स. This is a white, black, this type of shade I have. Ready. So, ये हमारा हो गया. तो इसके बारे में बता दिया. ये ज्यादा mainly नहीं है, मैं एक पेंटिंग में दिखाती हूँ. जैसे ये कुछ यूजुअली थिंग्स हुए.
इन सब में जो लाइट वाला शेड्स होता है ना, एकदम लाइट शेड लाइक दिस टाइप, तो उसको करने के लिए हम लोग यूजुअली दिस पेंट यूज करते हैं। ये अच्छा होता है उसके लिए, ड्रॉइंग्स में अलग टाइप के शेड्स होते हैं, अलग टाइप के कलर्स होते हैं। नाउ दिस इज माय पेंसिल कलर, आई हैव ऑलरेडी यूज दैट सो डोंट माइंड इट्स हैज बीन। तो ये भी 100 रुपीज का आता है मेनली, इतना बड़ा बॉक्स, एंड ये आप ले सकते हैं आराम से इजिली। मैं आपको इसका पेंटिंग का दिखा देती हूँ। ये जो होता है ना पीच कलर्स में, उसमें ओनली क्या होता है ना कि आपका फेस कलर देता है, उसमें फेस कलर ओनली देता है। तो क्या होता है ना, यूजुअली आप वैसे कर देते तो वो रियल स्किन टोन नहीं लगता है, वो लगता है कि पेंटिंग है। तो हमें थोड़ा रियल दिखाने के लिए ना इस टाइप के यूज करना पड़ता है, डार्क शेड यहाँ, ये शेड यहाँ। तो इसमें 24 शेड्स होते हैं, स्किन के शेड्स भी कर सकते हैं और लेंस के शेड्स भी, तो ये इजिली हो जाते हैं। तो ये हो गया मेरा पेंटिंग ब्रश। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डोम्स। आई एम ऑल थिंग्स इन पेंटिंग ऑलमोस्ट आई एम यूजिंग द थिंग्स ऑफ डोम्स, दे हैव very quiet qualities and many things, so I'm using it. I might suggest you also use this. This is also my pencil color which I have 12 shades between half. I will show you 1 minute. See, like this type of combining they have, because it's a short piece and there is warning, it's not for age of third class because it could be a choking. So ye ho gaya aapka my paste colors for shading and many thing. Ye all paster hai, oil pasters, this ye bhi 35 rupees ka hota hai, chota wala 35 rupees ka hota hai। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है, सो इट्स लुकिंग। ये थोड़ा थ्री टाइप्स के शेड्स के लिए ये ब्रशेस होते हैं, और ये छोटा है, छोटा कॉम्बे पैक हो, तो इसमें ये है ना। तो ये हो गया मेरा कलर का कलेक्शन, एंड इट इज फैब्रिक कलर्स विच इट इज वेरी यूजली आई एम यूजिंग दिस। एंड ये सेट में दे, मैंने आपको दिखाने के लिए ये निकाल लिया है। तो देखिये ये फैब्रिक कलर, ऑल थिंग्स के कलर्स आपके रहते हैं, सारे कलर्स में यूजुअली जो हम लोग पेंट्स के लिए यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट इसमें होता है। तो ये सब है मेरा कॉम्बो बैग जिसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। माय ऑल पेंटिंग इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कलर्स। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के ये तो मीन्स ड्राइंग वीडियो नहीं था, तो मैं नहीं कहूंगी ये ड्राइंग वीडियो था। तो प्लीज मैं कल परसों ड्राइंग वीडियो डाल दूंगी एक नया फ्लावर्स का, तो वो देखना जरूर भूलिएगा मत। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और राजेश्वरी फूड्स जो मेरी मम्मी का चैनल है वो जरूर देखिए। फूड इज रियली सो अमेजिंग, मीन्स बहुत अच्छा बनता है, आप ट्राई भी जरूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन तो जरूर ही दबा दीजिएगा ताकि मम्मी का भी अपडेट मिल सके और मेरा भी अपडेट मिल सके। और शेयर कीजिए, व्यूज थोड़े कम आते हैं, न्यू चैनल है, व्यूज थोड़े कम आते हैं, आप थोड़ा शेयर करेंगे तो व्यूज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एंड सपोर्ट इज मैनी थिंग, यू नो दैट। और पेंटिंग तो आ जाएंगे, और बेस इतना मटेरियल आई एम यूजिंग, और आज का इंट्रो भी बता दिया। सो थैंक्स फॉर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ऑल्सो, प्लीज कमेंट दैट कि मेरी क्या गलतियां रही। मुझे बोलना नहीं आता उतना अच्छे से, तो मेरी गलतियां जो रहेंगी अब बता दीजिएगा, मैं उसे ठीक कर लूंगी, और बताइएगा कैसा ड्राइंग रहता है। ओके, बाय।